आज की न्यूज़ नवाज शरीफ साहब को करप्शन केस में सजा होते हैं, बहुत सी पार्टीज तालियां बजा रही, कुछ अपने कपड़े फाड़ रहे, कुछ कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, और ज़्यादातर लोग इस सिचुएशन के अंदर अपने बेनिफिट देख रहे हैं, स्पेशली पॉलिटिकल। लेकिन सोचना ये है कि अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ये बड़ी सीरियस चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अदालतों में रहना चाहिए। आम आदमी को तो अभी अवेयरनेस ही नहीं है कि वो कहाँ स्टैंड कर, वो तो अपनी बेसिक नेसेसिटीज से नहीं निकल सकता। बिजली का मसला है, पानी का मसला है, बच्चों की पढ़ाई का मसला है, मुल्क में मेरा तेरा है, पंजाबी पठान ब्रांचेस बनी और हर पार्टी ये समझती है कि वही सिर्फ इस मुल्क को ठीक कर सकते, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इस मुल्क को बचाने के लिए आप सबको मिल के काम करना पड़ेगा, गलत को गलत कहना पड़ेगा, सही को सही कहना पड़ेगा, अपने अदारे खुद ठीक करने पड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट हासिल करने के लिए आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, बनिस्बत यह है कि सुबह सवेरे उठ के आप एक दूसरे की टांगें खींचें, किसी को गिराएं, किसी को लटकाएं। नहीं, अगर कोई मुजरम है तो उसको अदालतें उसके लिए हैं, और ये नहीं है कि आप इसको सियासी स्टंट बनाए। इट्स सैड, वेरी सैड। आई थिंक वी हैव टू थिंक अबाउट अवर पाकिस्तान, वी हैव टू थिंक अबाउट अवर नेशन, वी हैव टू थिंक अबाउट अवर प्रॉब्लम्स, वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस। वी डोंट वांट टू गो इन दिस लाइक यू नो आर्गुमेंट येलो जर्नलिज्म एंड यू नो पुलिंग लेग्स एंड अदर थिंग्स। Now is the high time. I think that the people of Pakistan, they have to understand the power of vote. If they really want democracy, and if they want a real representative in National Assembly and Senate, they can represent. Then they have to choose their vote, choose their leader in the right way. I think हमें किसी को बुरा या अच्छा कहने का कोई हक नहीं पहुंचता। हमें अपने लोगों के अंदर से उनकी गलतियां साफ करनी पड़ेगी, उनको सही रास्ते पे लाना पड़ेगा। हर आदमी का पूरा हक है कि वो अपने मुल्क के लिए बात करे, अपने मुल्क के लिए काम करे, अपने लोगों के लिए काम करे। घर में छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, बड़ा भाई हो या छोटा भाई, वालिद हो या बाप हो, सबको मशवरा अहम होता है घर के। अपने पाकिस्तान को बनाना है तो मेरे भाई काम करें। थैंक यू।